जय हिंद, इनकलब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू एच गौरव। अभी है हम भाई का फ्लैट में। आप बेलकोनी का नज़ारा देख सकते हैं, बेलकोनी से जो नज़ारा है। और बात यह है कि अभी हम जा रहे हैं आगरा, और आपको हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे आगरा का ताजमहल। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। तो फाइनल गाइस, कैंपस से बाहर आ गए हैं, और यहाँ देखिए पैसा का लेन देन हो रहा है आगरा जाने के लिए। और इसी गाड़ी में हम लोग सभी फैमिली आगरा जाएंगे। तो आगरा में ताजमहल आपको दिखाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। तो फाइनली हम लोग चल रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए, सभी परिवार मिलकर। और यहाँ सामने बैठे हैं चाचा जी, बाकी तो सब पीछे बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं। ये रहा फुल फैमिली। और अभी हम लोग आप देख सकते हैं एक्सप्रेस हाईवे। आगे एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि 150 किलोमीटर का कोई रोकने का नाम निशान नहीं है, पूरा बैरियर दिया हुआ है। तो बीच में जाते जाते आगरा जाते जाते रुके हुए हैं यहाँ पर शिव बाबा ढाबा में। चाय नाश्ता के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जूस सब कुछ, यहाँ पर जूस वगैरह वगैरह जो भी है, लस्सी आइसक्रीम सब कुछ पी सकते हैं। यहाँ पर रुके हुए हैं, चाय नाश्ता कर लेते। देखिए जो अंगूल के पॉइंट है वहीं पर सब कोई पूरा फैमिली खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो चाय नाश्ता जिसको जो करना है कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगरा की ओर। यहाँ सब कोई चाय पीने के लिए खड़े हैं और चाय पी रहे हैं, देख सकते हैं सभी मिलकर। और मुझे तो चाय पसंद नहीं है, तो चाय नहीं पी रहे, तो सोच रहे कि कैन ले लेते हैं। कैन लेते हैं फिर देखते हैं। सभी यहाँ पर चाय पी रहे थे और हम तो चाय पीते नहीं हैं, तो हम ले लिए खिलाड़ियों का पसंद थम्स अप टेस्ट द थंडर, और पी लेते हैं फिर नेक्स्ट आगरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल गाइस, आगरा ताजमहल पहुंच चुके हैं, और ये है पार्किंग एरिया ताजमहल का। यहाँ देख सकते हैं पूरा एरिया ताजमहल का पार्किंग का है, और मेन रोड आगे में है। आगे से आके आप यहाँ पर कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं। बड़ा गाड़ी का 150 रुपया है, 150 रुपीज़। और छोटा का पता नहीं, क्योंकि हम लोग का तो गाड़ी वो देखिए बैक हो रहा है, वो गाड़ी हम लोग का। और आगे दिखाते हैं हम ताजमहल पहुँचने के बाद। सो फाइनली हम लोग एक टोटो में बैठ चुके हैं गाड़ी से उतर कर, और यहाँ पर टोटो मिलता है कि यहाँ से जाना पड़ता है फिर। और उसके बाद दिखाते हैं क्या है यहाँ पर क्या नहीं। तो आज ऐसे भी थर्सडे है, फ्राइडे को बोलता है कि ताजमहल बंद रहता है। और लास्ट टाइम आए थे हम 18 मार्च 2020 में, उस टाइम ताजमहल बंद हो चुका था ऑलरेडी, देख नहीं पाए थे। बालू चौक पुलिस स्टेशन है ना, वहीं पर हम एक होटल में, होटल का नाम याद नहीं आ रहा है, वहीं पर ठहरे थे। तो वहीं से 3 दिन उसके छत्ते के ऊपर से, मैंने होटल के छत्ते के ऊपर से ताजमहल को देख रहे थे। तो सामने जाने का औकात नहीं था क्योंकि बंद था, कोरोना के चलते बंद कर दिया था 18 मार्च से ही। तो इसीलिए आज देखते हैं फैमिली के साथ, उस टाइम दोस्त के साथ आए थे, आज आ रहे हैं फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ ताजमहल देखते हैं और एंजॉय करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं ताजमहल। तो कंटिन्यू रहिए। वो देखो ताजमहल दिखा रहा है, ए ताजमहल नजर आ गया। वो तो सोझा सोझा देखो यार, भगवान खुशी बच्चों की दिन क्षमा देखी यार, देखो नहीं। यहाँ देख सकते हैं आपकी ताजमहल नजर आ रहा है, आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ये देखिए ताजमहल नजर आ गया, फिर अब सामने से जाएंगे तो नजर आएगा। और यहाँ पर बहुत बैरिकेड लगा हुआ है, और
और देखते हैं क्या होता है आगे में। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है चलने में टोटो में, और रोड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बैरिकेड है। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का है ये, और ये लग रहा है पुलिस स्टेशन है, इसीलिए देखिए ये है पुलिस स्टेशन जो भैया लोग बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ते रहे, यहीं पर रुकती है टोटो, और आगे में देख सकते हैं गेट है, वहाँ से मतलब बोला गया था कि गेट तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहीं पर गेट है, इसीलिए यहीं पर टोटो पूरा फैमिली को उतार दिया झार पोछ के, और टोटो यहीं पर लग जाएगी या तो पार्किंग करके चल जाएगी, कोई पता नहीं उन लोग का। फिर घूम के आएंगे ताजमहल देख के, फिर टोटो करना पड़ेगा। तो ताजमहल देखने के लिए देखते हैं, बहुत सारा टोपी चश्मा का दुकान है। हम तो अपना गूगल से छोड़ के आए, गरीब दुखी आदमी है तो गूगल भी छूट गया मेरे से। मतलब यहाँ पर सारा सामान है, यहाँ पर देखिए हाथ का काम किया हुआ जो पत्थर का दी जाता है, सीमेंट वाला तो काम का है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। मैंने यहाँ पर पूरा शॉप भी मार्केटिंग कर सकते हैं, इधर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये देखिए सामने हम लोग गेट आ गए हैं, गेट के अंदर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। एंट्री का जगह आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ताजमहल प्रवेश, ताजमहल एंट्री। और यहाँ देख सकते हैं आप कि पूरा यहाँ पर टोल गेट जैसा बना हुआ है, ये मेट्रो का भी स्टेप है, पॉइंट डालिए घुसिए। और यहाँ देख सकते हैं सभी आए हुए हैं, होता है वो जो गार्ड है उसको घुमा घुमा के आना पड़ता है, मम्मी घुमा रही है, मेरी मामी अटक गई, स्कैन होगा वहाँ पर, ऑनलाइन किए तो स्कैन करेगा मोबाइल देगा, नहीं तो टिकट लेना पड़ेगा। जस्ट मेट्रो में जैसे होता है टिकट सिस्टम सही है, उसके बाद घुस सकते हैं, इसी तरह होता है। सब कोई लाए थे कवर, तो बात यह है कि फिर से सबको खरीदना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो चेकिंग चल रहा है आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या किया ना सबका, ये ले लिया, मैं पॉकेट में था तो बच गया मेरा 5 रुपये, बच गया 5 रुपये, बहुत बड़ा होता है भाई, है ना। तो देखिए मम्मी भी देखे लहरा रही है, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और गली गली चलते हैं सुरंग में मेट्रो की तरह। यहाँ से देखिए ताजमहल का पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ताजमहल का फ़ोटो दिया हुआ है, मतलब फ़ोटो नहीं सॉरी LED पे स्क्रीन किया हुआ है एकदम। और बात यह है कि देखते रहिए, और यहाँ पर चलता रहा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए लाल किला सब कुछ दिया हुआ है। और आगे देखिए, यहाँ देखिए पूरा किस तरह से बना हुआ है, ओल्ड बिल्डिंग जैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा। और कूलर है, सबको ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, CRPF जवान। और ये आदिम काल का है, ये आदिम काल का घर बना हुआ है, बहुत ही बेहतर है घर। और ये देखिए ऊपर में कुछ नज़ारा आ रहा है, तो आगे चलते हैं दिखाते हैं, सभी पीछे पीछे आ रहे हैं, नज़ारा बहुत ही अच्छा है, ग्रास है साइड में, वो सॉलिड लग रहा है यहाँ पर एरिया, या ईस्ट गेट एग्जिट है, नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ ताजमहल देखने आए हैं। और यहाँ पर भी एक गेट है बाहर निकलने का लग रहा है ना, पता नहीं आप हमको, ये तो फर्स्ट टाइम है ताजमहल का। आपको तो बोले कि इससे पहले जो आए थे जिस टाइम, उस टाइम बालू चौक आपका पुलिस चौकी है, वहाँ पर होटल था, वहीं पर थे हम 3 दिन, 3 दिन छत्ता में चढ़ते तो ताजमहल को देखते थे।
है ना, छत्ता में चढ़ते थे ताजमहल को देखते, तीन दिन मैंने ऐसा हो गया था, मैं जमीन में पैर दिया आगरा का और बोल दिया कि बस वाला कि ताजमहल तो बंद हो गया कोरोना के चलते। 18 मार्च 2020 था, इतना खराब लगा था ना, क्या बोले भैया। ओह ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको हम। सामने में ताजमहल देखते हैं, भीड़ देख रहे हैं कितना है, बहुत मासी पर भी नाम बोल, ये एरिया भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देखिए मार मौसी, और देखते हैं आगे जाते हैं, आगे भी हम दिखाते हैं आपको नज़ारा। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा नज़ारा। धूप के लिए तीनों बेहाल हो गया है, और यहाँ देखिए बहन सभी यहाँ पर खड़े हो गए हैं, अब लाइन बाय लाइन यहाँ जाना होगा, तो सभी जा रहे लाइन बाय लाइन। देखिए फिर रिटर्न होगा वहाँ से, फिर जाएंगे ताजमहल, तो चढ़ते हैं इधर से फिर दिखाते हैं आपको। एक है ना मस्त फोटो था इसमें, एक है ना मस्त है फोटो, यहाँ फोटो बड़ा मस्त मस्त आवतनी, यहाँ पर बड़ा मस्त मस्त जगह है भाई, और क्या बोला जाए। आप देख सकते हैं ताजमहल का खूबसूरती है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये भी कुछ बिल्डिंग है, और अगर कोई घूम घाम के थक गया हो तो वहाँ पर देखिए पीने का पानी मिल रहा है, वहाँ पर आप पी सकते हैं पानी। ये देखिए जूता के ऊपर पहना जाता है, ये जूता कवर है, शू कवर है ना, बस हो गया। और उसी तरह हम भी पहनेंगे, देखिए मौसी दोनों पहन लिया, मम्मी भी दोनों पहन रही है। वहाँ जो टेंट देख रहे हैं वहाँ से अंदर जा सकते हैं, 200 रुपये भी फी है, तो यहाँ देख सकते हैं आप जमुना नदी, ये रहा जमुना नदी, और उधर से पानी आ रही है, इधर बह जा रही है, और पास में देखिए आप ताजमहल, सभी आ रहे हैं और अंदर में झांक रहे हैं, नेट टाइप का दिया हुआ है, खोलिए कुछ, ये खुलने कुछ के मामा खुलाया नहीं दरवाज़ा। और यमुना नदी के साइड में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों लगी है मस्त लगी है एकदम। देखिए एग्जिट है, यहाँ से आप इंट्री नहीं एग्जिट कर सकते हैं, और ये देखिए जैसे उधर देखें वैसे सेम टू सेम इधर बना है, ताजमहल जो है चारों तरफ एक है, ये नहीं कि आपको अलग अलग मिलेगा,
सिर्फ खाली एरिया देखिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आपको इतना ही जगह मिलेगा, जैसे ये गेट बना हुआ है और ऐसे ही राइट साइड में भी बना हुआ है और देखिए फर्स्ट में भी बना हुआ है, मतलब तीन गेट सेम बना हुआ है ये तीनों गेट। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको जूम करते हैं, ये रहा एक और एक देख ही रहे हैं, ये है और एक राइट साइड में है, मतलब फ्रंट लेफ्ट राइट में ये गेट है। और बात है कि देखिए यहाँ पर जूम कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं और हम कैमरा लेके खड़े हैं, कैमरामैन बन गए हैं। और यहाँ से भी बहुत ही सुंदर लग रहा नज़ारा, ताजमहल का सामने है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या ये देखिए ताजमहल, यहाँ से हम दिखाते हैं फ्रंट का नज़ारा कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है फ्रंट का नज़ारा। यहाँ से हम दिखाते हैं आपको फ्रंट का नज़ारा कैसे लग रहा, देखिए लेफ्ट वाला गेट दिखाएं, लेफ्ट वाला गेट के पास जाके फ्रंट वाला कम जूम करके दिखाए थे। और ये गेट है राइट साइड वाला गेट, और हम लोग जा रहे हैं अब ताजमहल का अंदर, कैसा लग रहा है ये भी हम दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही अजीब ये है, अंदर में क्या है पता नहीं, सर यहीं तक है, आप देख सकते हैं ये ऐसा ही है बनाया हुआ है। और ये देखिए मार मौसी धीमी धीमी आ रहे हैं। अंदर घुसने के लिए यहाँ पर गूगल पे पेटीएम जो करना है कर लीजिए क्यूआर कोड से, उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री मिलेगा। और यहाँ से एंट्री मिलने के बाद फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर का माहौल दिखाते हैं। ताजमहल के अंदर कोई भी फोटो वीडियो का अलाउड नहीं है, इसीलिए कोई भी वीडियो दिखा नहीं पाए हम। यहाँ पर आए हुए हैं ताजमहल घूमने, तो माँ यहाँ पर बक्सा वक्सा ले रही है, पसंद आया उनको, हाथ में आईना भी है। और ये पत्थर का क्या, पत्थर का पूरा सर, पूरा पत्थर का ये बॉक्स है, आप देख सकते हैं। रेट क्या बता रहे भैया, ये 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का है, ये 80 रुपीज़ का है। और ये होलसेल वाली दुकान है, ये देख सकते हैं कि ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे खरीदारे, पर पत्थर का है, टोटल पत्थर का काम किया हुआ है। यहाँ पर ले रही है आगे दिखाते हैं, ले रही है। सो फाइनल गाइस, ताजमहल घूम लिए, और ऐसे तो सारा जगह आपको हम दिखाएं, ये तो एंट्री किए थे इस जगह से हम लोग। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।